अब वहां पे कभी रिजेक्शन नहीं झेलोगे, आप हर इंडस्ट्री में टॉप पे रहोगे। तो ये है कि हर हर इंसान को, हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में, चाहे वो स्टडी फेस में हो, चाहे वो जॉब के फेस में हो, उसको इस स्किल्स को, अपनी स्किल्स को, हमारी जिंदगी सफल नहीं हो पाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड हो जाते हैं हम, देखने लग जाते हैं वो इंसान इतना बड़ा सक्सेसफुल हो चुका है, हम क्यों नहीं हो रहे, हमें क्यों इतने जिंदगी में तकलीफ आ रही है, हमें क्यों इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलों का पहाड़ बढ़ रहा है। एंड दे जस्ट फॉल एंड दे ब्लीड, बट सम ऑफ द पीपल टेक कैमरा एंड रिकॉर्डिंग देमसेल्फ्स एंड दे जस्ट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, बट देयर आर सम पीपल दैट हैव दैट सम पीपल हैव ह्यूमैनिटी दैट दे हेल्प देम एंड दे गो टेक केयर ऑफ देम एंड टेक देम टू द डॉक्टर एंड जस्ट पीपल हैव मनी चैलेंजेस, अदर्स डोंट हेल्प, अदर्स डोंट हेल्प, पीपल आर क्राइंग ड्यू टू द प्रॉब्लम्स, पीपल आर क्राइंग ड्यू टू द प्रॉब्लम, अदर्स डोंट हेल्प, अदर्स डोंट हेल्प, इज दिस द ह्यूमैनिटी आई वांट टू हैव, इज दिस द ह्यूमैनिटी आई वांट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा मतलब एक ऐसा स्किल है, अगर किसी भी इंसान, आप देखिए मुझे देख रहे हैं, किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान को ग्रो करने के लिए वो एक ऐसा, वो एक ऐसा मतलब स्रोत है कि आप अगर वो वहाँ कहाँ देख रहे हैं, वो कैमरा इधर है, फोकस रखिए, फोकस कैमरा ये है, ठीक है, ये साउंड है, ये एक ऐसी स्किल है, ये एक ऐसी स्किल है, अगर आप उसे सीख लेते हो तो आप हर इंडस्ट्री में मास्टर हो जाओगे। कैमरा मूव हुआ, अटक गए, तो अटकना नहीं है, अटकना कैमरा, आप हर एक इंडस्ट्री में मास्टर हो सकते हैं अगर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सही कर लिया तो, राइट, ठीक है, अगर आपने अपने स्किल को इम्प्रूव किया तो आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर जाते हो तो आप कभी वहां पे रिजेक्शन नहीं, आप वहां पे कभी रिजेक्शन नहीं झेलोगे, आप हर इंडस्ट्री में टॉप पे रहोगे। तो ये कि हर हर इंसान को, हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में, चाहे वो स्टडी फेस में हो, चाहे वो जॉब के फेस में हो, उसको इस स्किल्स को, अपनी स्किल्स को उसको सीखना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और आप देखोगे ये एक ऐसा चमत्कार, तो आप देखोगे ये इतना चमत्कार होगा, आप देखोगे कि ये इतना चमत्कार होगा कि आप देखोगे कि ये इतना चमत्कार हुआ कि आप अपनी फ्रेंड सर्कल में सबसे अलग दिखोगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे अलग दिखोगे, और आप किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब या किसी भी आप ट्रेनिंग के अंदर जाते हो, और मोर लाउड, अगर आप किसी भी अपने ट्रेनिंग के अंदर जाते हो, मोर लाउड, अगर आप अपने किसी भी ट्रेनिंग के अंदर जाते हो तो मेरा दावा है कि आप उसको क्रैक कर लोगे, आप किसी, आप उस चीज को क्रैक कर लोगे, और आपके अंदर से इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप हाय, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप, तो ये कोई डिपेंड नहीं करता, ये कोई डिपेंड नहीं करता कि आप कैमरा इधर, ये कोई डिपेंड नहीं करता कि आपकी स्कोरिंग क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आप में क्या क्या नेगेटिविटी है, वो कैमरा नहीं है, ये कैमरा है, म्यूजिक है, लेफ्ट हैंड म्यूजिक है, लेफ्ट हैंड म्यूजिक है, लेफ्ट हैंड म्यूजिक है, ये म्यूजिक है, ये कैमरा है, ये कैमरा है, ये म्यूजिक है, गो। तो आप सर, अच्छा ये आपको वो है, मतलब टोन है, ये टोन है, टोन है ना, राइट, तो आप ये देखोगे कि आप अपनी अपनी लाइफ में जिन जिन चीजों को अगर आप ऐड करना चाहते हो उनको आप ऐड कर पाओगे, जल्दी जल्दी, तो ये एक ऐसा पार्ट है हर इंसान को, ये ओनली आप मूव नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, मूव करिए, गर्दन मूव करिए साथ में, ये एक ऐसा पार्ट है कि जो आपको अपनी अपनी सोशल वर्क में, अपनी फैमिली में एक आपको अच्छा इंसान बनाता है, नहीं नहीं, आपके आई कांटेक्ट इधर, आई कांटेक्ट, हाँ, ये एक आपको अच्छा इंसान बनाता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में अपने आप को काफी ग्रूम कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को काफी डेवलप कर सकते हो। साउंड एक जा रहा है, साउंड को, साउंड पे काम करना है, टोन पे काम करना है, प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको बोलने नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको कैसे बोलना है वो नहीं आ रहा है, बोल तो आप रहे हैं, आप एक साउंड, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपनी जिंदगी में कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाता है मेरे दोस्तों। पर्सनैलिटी आपको ग्रूम कर देती है, पर्सनैलिटी आपको ग्रो करती है, पर्सनैलिटी आपको ग्लो करती है, और पर्सनैलिटी से दुनिया में जो है कि आप दिल लोगों का जीत लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नजरें बदलिए, नज़ारा बदल जाएगा। इसका मतलब है कि हम अगर पॉजिटिव POV, अगर आप सोचोगे कि पॉजिटिव POV क्या है, सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव POV का मतलब क्या होता है। हम बहुत सारी, मतलब दिन में इतनी चीजें करते हैं ना, मीडियम, हम जब भी अपनी लाइफ में, आप
अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, मीडियम अच्छा अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हम एकदम टूट जाते हैं, हमें कोई दरवाजा नजर नहीं आता है, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी सफल नहीं हो पाएगी। वेरी गुड खड़े हो जाते हैं, हम देखने लग जाते हैं, वेरी गुड, वो इंसान इतना बड़ा सक्सेसफुल हो चुका है, हम क्यों नहीं हो रहे, हमें क्यों इतनी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, हमें क्यों इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलों का पहाड़ जो पड़ा है, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, हम इसको कैसे भगा सकते हैं अपनी लाइफ से, हम इसको भगा सकते हैं, आज भगा सकते हैं और कल भी भगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट है। भगवान ने ना एक टैलेंट सबको दिया होता है, लेकिन उसको पहचानना हमारे हाथ ही होता है। कुछ चीजें होती है जो हम डेली वाइज करते हैं ना अगर, तो हमारी लाइफ चेंज होने लग जाती है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। दोस्तों मीडियम, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या होती है। असल में जब हम घर में होते हैं, जब हम मॉर्निंग देखते हैं, अपना मॉर्निंग अच्छे तरीके से जाते हैं, अच्छे फील के साथ किसी से मिलते हैं, अच्छे लोगों के साथ मिलते हैं, तो हमारा दिन है ना बहुत अच्छा खूबसूरत निकलता है ना। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेगेटिविटी की, नेगेटिविटी पता है क्या होती है, जब हमारी मान लो गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, हमारे घर वालों से झगड़ा हो गया, आप आई कॉन्टेक्ट, तब हमारा मॉर्निंग मीडियम टोन मीडियम मॉर्निंग पता क्या होता है, हम उठते हैं, हमें लगता है कि आज कुछ भी सही नहीं होने वाला, टोन डाउन, हमें लगता है कि आज कुछ भी सही नहीं होने वाला है, हमारी लाइफ में आज बिल्कुल सही है कि ये भी बुरा इंसान है, वो भी बुरा इंसान है, लेकिन हमें अच्छा कोई नहीं मिलता है, हमें जीने का मतलब ऐसा लगता है कि हमारी आ गया इंसान जो कैमरा है वो क्लोज आ गया, जैसे कोई इंसान क्लोज आएगा आवाज ऑटोमेटिक जो है मिठास आ जाएगी, धीरे होते जाएगा ना सब, तो हमें लगता है कि कोई भी इंसान हम अच्छा नहीं है, दुनिया में हमारे लिए कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज अगर हमारा आवाज़ हमारा दिन खराब गया है तो हमारा हर दिन ही खराब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी अच्छे लेवल पर नहीं आ सकती है, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या थिंकिंग अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं, डेली रूटीन में क्या करते हैं, तो वही इम्पोर्टेंट रखती है हमारे लिए, हमारी लाइफ में ये सबसे ज़रूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते जाइए, हर चीज़ को पॉजिटिव सोचें, हर चीज़ को पॉजिटिव ही देखते रहें, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं देखते ना, कम ऑन गिव अ क्लैपिंग। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं सिनोनिमिकल, पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करिए। अब सपोज करिए आपने एपीजे अब्दुल कलाम की कोई बात कर रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने न्यूज़पेपर बेचा, एपीजे अब्दुल कलाम ने इमली का बीज बेचा, एपीजे अब्दुल कलाम ने तेल साबुन नमक बेचा, लेकिन वही एपीजे अब्दुल कलाम ने इतिहास रचा, वही एपीजे अब्दुल कलाम ने 40 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, वही एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति का खिताब लेकर दिखाया, वही एपीजे अब्दुल कलाम ने इतिहास रच दिया, वही एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि की उड़ान दे दी, वही एपीजे अब्दुल कलाम ने, समझे? ये तो सिनोनिमिकल थोड़ा सा है। मैं आज समझता हूँ कि आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में समस्या है, दुख है, दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, हैरानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, इट्स ओके। तो आपने कितना वर्ड यूज़ किया? 5 वर्ड। प्रॉब्लम्स के लिए आपने 5 वर्ड। पब्लिक एक नहीं समझेगी, तीसरे में तो समझेगी, चौथे में तो समझेगी, समझ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 3 थिंग्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दैट इज एक्चुअली योर पब्लिक स्पीकिंग और स्पीच यू आर गोइंग टू डू। But why are you going to do it? This is the most important question, because until and unless you have the reason, you cannot do that. You go to gym because you know that the outcome of the gym is actually that it will make my bicep, it will make my thigh, it will build my body, it will make me healthy. That's why you go to gym. And if I ask you a very common question, that if you want to make your bicep, what do you need? You need dumbbells. Yes. If you want to make your thigh, you need to give the thigh. If you want to just make your chest, you need to go push-ups.
Right. The same way, if you want to make a great speech, what you need all the spices. All makkhan, all masalas, all namak, you know. And that is what? That's your speaking, your tongue, your topic, your points. And that's your body language, gesture, posture, eye contact. So are you ready for that? Yes, sir. You have a selected topic. You have something in your mind. Just okay. One, two, three, go! Humanity. Insaniyat. Humanity is a thing that everyone has. But they sometimes they hide, sometimes they show. Like if someone get accident and they just fall in, they bleed. But some of the people take camera and recording themselves and they just post on social media. But there are some people that have some people have humanity. Loud. That they help them and they go take care of them and take them to the doctor and just. Be there for their help and just take care of them, but camera. Okay, but in sometimes the people then don't show the humanity, like they don't have feeling that they are not human. They just don't help each other. They just record and they just post on social media for their own self. Like they want followers and they want to show people that they saw that they are doing something and they are helping. But they, in the reality, they are not helping anyone. They just posting on social. More down, more down. They're just showing on social media that they are helping, and they just focus that everyone. Yeah, ekdam same ja raha hai. It's good. Humanity. Just when you talk about humanity, insaniyat, jo sab mein hoti hai, but koi dikhata nahi. Your humanity is something this that only humans have, not animals, not anyone else. Humanity that people can show and they just relate. Like if someone get accident on the road, on the spot, they just bleed and they just on the road and they just need help. But some of the people show their help and show their humanity and they just help them. They take care of them, then go to the doctor. But some people then they don't have humanity. They just record and they just post on social media that they are helping. But in reality, they are not helping. Other people are helping. They just post and they get attention or followers and something else that they are helping. But they're in reality, they just show. Now what do you do? Now you're speaking good. English is okay. Fantastic. No issue in English. But the point is that you need to give variation. Just ek sentence alag. Dusra sentence alag, teesra sentence alag. Wise with the sentence. I see the people fall. I see the people fall on the roads and people don't pick them, don't poor people don't help them. Is this humanity? I just want to ask a question. Okay. Like that. Come on. Everyone say that they have humanity. But really? They have humanity? Yes. Yes. But really, they have humanity. I didn't see any humanity in anyone. Like, I have seen many people falling from bikes and anything. But they just, people, some there are just record. I was having the humanity that I came and helped them. But some of them that does not care and just starting recording themselves. They just want to get attention of everyone. They just want that they are helping. But no, they was not helping. I saw that they was now not this helping. Camera will come close to you. You have to keep your volume down according to that the person is coming, right? Okay. The moment it will go I want to increase my you volume. Have to increase. If you have humanity, just show them, just help them. Like some there are many cases that animal are getting bullied by many humans, but some of the people just don't show that they are helping each other. They just record like animal are bullying. They just give them a injection and to get their money. Like many horses are getting tortured for their work. Sound nahi badal raha hai. For their work. But if I was a nazdeek hai, camera is close. Yes. But if I was having a horse or something, I just make money from them. But no, I just want to take care of them and just want that they are happy and they are good. Okay, now do one thing, right? Now you need to repeat with me.
So, hello everybody, good evening. Hello everybody, good evening. My name is Abdullah. My name is Aryan. And today, I am going to talk about one of the most important point, humanity. Humanity. आज इंसानियत दर बदर भटकने पर भी नहीं मिल रही है आज इंसानियत दर बदर भटकने पे भी नहीं मिलती But today, I would like to tell you that humanity is an emotion that is an emotion It's a feeling. It's a cooperation. It's a collaboration. It's hell. Why are you quitting this humanity? Don't you understand the importance of humanity? Don't you understand the importance of humanity? Nowadays? Go. And see. There are more accidents. People don't help. People are suffering. Others don't help. People have money challenges. Others don't help. People are crying due to the problems. Others don't help. Is this the humanity I want? Absolutely not. Absolutely not. I want to ask you, is this the humanity? Is this the humanity? Absolutely not. This is not the humanity.